एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। नरेला विधानसभा सीट से हाजी मस्तान बाबू निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। क्षेत्र में हाजी बाबू मस्तान के साथ भारी जन समर्थन भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस की बढ़ गई है। कांग्रेस को डर है कि अल्पसंख्यक वोट उसके पास से खिसक सकता है और नरेला में भाजपा को इसका फायदा हो सकता है। वहीं हाजी बाबू मस्तान ने नरेला विधानसभा में अपनी जीत का दावा किया है। भोपाल की नरेला विधानसभा में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। विश्वास सारंगे के करीबी माने जाने वाले हाजी बाबू मस्तान निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बाबू मस्तान के चुनाव लड़ने से भाजपा से ज्यादा चिंता कांग्रेस में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस से खिसक कर हाजी बाबू मस्तान के पास जा सकता है, जिसका फायदा नरेला विधानसभा में भाजपा उठा सकती है। वहीं जनसंपर्क करने निकले निर्दलीय प्रत्याशी हाजी बाबू मस्तान के साथ भारी जनसमर्थन देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ बाबू मस्तान के साथ नजर आ रही है। बाबू मस्तान ने कहा कि नरेला विधानसभा में उनकी जीत होगी। क्षेत्र के कई हिस्सों में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। हाजी बाबू मस्तान ने कहा कि चुनाव में उनका सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। नरेला से निर्दलीय प्रत्याशी बाबू मस्तान हमारे साथ है। आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? ये विकास का मुद्दा है हमारा, और ये विकास के उस पर हम अपना काम चालू रख रहे हैं। ये जनसंपर्क चल रहा है ना, लोगों को समझा रहे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। उस मुद्दे को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये प्रचार शुरू हो गया हमारा। यहाँ से रहे जो क्या बोलते मंत्री, उनका कहना है कि मैंने नरेला में बहुत विकास किया और विकास के मॉडल पे ही बात कर रहे हैं। नहीं, विकास जहाँ उन्होंने किया है वो वहाँ काम कर रहे हैं। जहाँ विकास नहीं है उधर हम काम कर रहे हैं। हम वही जगह पकड़ पाड़ के मतलब लोगों को दिखा दिखा के, ये लोगों का जन संलाभ आपको दिख रहा है। लोगों ने बुलाया है, आज बेहतरीन स्वागत रखा हमारा कि बाबू भाई आप आगे आगे और हम आपके पीछे पीछे। जो भी बोर्ड है अब कैमरे को जाना है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में ही जा रहे हैं क्या आप केवल? नहीं, हमारा पूरे में प्रचार चल रहा है, सभी जगह प्रचार चल रहा है, सब जगह जाने आने में बराबर जा रही है। अगर जीत के आते हैं तो क्या कुछ करेंगे आप? नहीं, विकास करेंगे भाई। जो भी विधायक बनता है विकास का मूलभूत सुविधाएं जो होती है क्षेत्र की वो करना है। अगर जिनके आ गए तो किसका समर्थन देंगे? नहीं, ये तो उस बात की बात है, जब ये सरकार बनेगी ये कंडीशन जबकि है जब देखेंगे। इन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया क्या कहेंगे आप? नहीं, विकास करेंगे ना हम। किन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया? बहुत सारे क्षेत्र बाकी है, नाम बताएंगे टाइम समय बहुत लग जाएगा। अगर चुन के आते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे और किस क्षेत्र में करेंगे? अगर चुन के आते हैं तो कौन से क्षेत्र में सबसे पहला क्या काम करेंगे? बस विकास ही मुद्दा है, लोगों का बहुत जरूरी जो काम है वो विकास है। ये थे हमारे साथ बाबू मस्तान, जो कह रहे हैं कि अगर वो चुनके आते हैं तो सबसे पहले वो विकास करेंगे और विकास के ही मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। अच्छी है ना, फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। इस बार भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।